वेलकम टू माय चैनल हर कोई शेफ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मूंगफली की चटनी। इस चटनी को आप किसी भी साउथ इंडियन फूड के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 1/4 कटोरी मूंगफली लिया हुआ है। ये मैंने आधी कटोरी दही ली हुई है। ये यहाँ पे 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी लहसुन है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच सफेद नमक और 1/4 टेबल स्पून मैंने चीनी लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया लिया हुआ है। उसके बाद ये मैंने तड़के के लिए लिया है। ये यहाँ पे थोड़ी सी राई है, जरा सी हींग है, 1 पिंच और करी पत्ता, इसका हम इसकी चटनी में तड़का लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये मूंगफली में हरी मिर्च और लहसुन को मिला देंगे और इसको तवे पे अच्छे से भून लेंगे। तो ये तवे पे मैं यहाँ मूंगफली और ये सारा सामान डालती हूँ और इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे। लहसुन और हरी मिर्च को इस तरीके से दबाना है ताकि इसमें ये जो काले काले निशान आ रहे हैं ये आना चाहिए इसमें। ये देखिए लहसुन और मिर्च इस तरीके से आपका भूनना चाहिए, इसमें ये निशान आना चाहिए। तो ये अच्छे से भून चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ करती हूँ। अब इसे थोड़ी देर के लिए कूल होने देंगे। जब ये कूल हो जाएगा तो हाथ से रगड़ के ये मूंगफली का जो छिलका है उसे हटा देंगे। इसमें से निकाल के इसको हम साइड कर देंगे और ये अब कूल हो चुका है। इसको इस तरीके से इसके छिलके सारे अलग करेंगे। तो अब ये छिलके अलग हो गए हैं। अब इसमें फूंक मार के इसके सारे छिलके हटा देंगे। देखिए ये अब रेडी है। अब मैंने लिया है मिक्सी का जार, इसमें ये मूंगफली डालेंगे। फिर इसमें ये लहसुन और हरी मिर्च, ये चीनी और नमक, धनिया, दही, इसको स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। तो ये फाइन पेस्ट बन चुका है। अब मैं इसे कटोरी में डालती हूँ और इसमें तड़के लगा दूँ। तो यहाँ मैंने एक कलछी ली है, इसमें डाल दिया है 1 चम्मच तेल। इसमें डालूंगी राई, करी पत्ता, अब मैं इसमें डालूंगी हींग, और इस चटनी में तड़का मारेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये चटनी रेडी है। तो ये देखिए हमारी मूंगफली की चटनी रेडी है। तो आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपका कैसा बना। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।